बाद अभी जो मेरा 1 घंटे का ट्रीटमेंट हुआ अभी इसके लिए, तो मुझे उम्मीद लगी है क्योंकि उससे पहले मैं अपने पास जब वो जो कानों के अंदर साउंड था, उसके बाद उस कानों साउंड के अंदर कमी आई है। हाँ, साउंड बंद हो गया, टीनिटस बंद हो गया है। जो टीनिटस के अंदर था, मैं जब बाहर रोड पर निकला हूँ तो रोड पर जो गाड़ियों की आवाज़ें थी वो मेरे को सर्राटे से एकदम सुनाई देने लगी थी। बराबर, काफ़ी अब आपको बैलेंस सुनाई देगा भैया, न तो ज़्यादा जोर से न कम। हाँ, बहुत अच्छा लगेंगे, कान एकदम बढ़िया हो गए हैं। आपको ये बताइए कि जो पहले से कान में सुनने की तकलीफ थी वो कमी हो गई है? वो पहले से कम हो, काफ़ी हो गई। मैंने विनोद भाई को बाहर से भेजा था, मैंने कहा बाहर जाओ और प्रश्न करो तो बाहर से भी जवाब। आप भी दीदी एक काम करो, इनको टेक्नोलॉजी क्या है, सुनी हुई चीज़ को सुन के जवाब देने का मतलब सुनना होता है, तो इनको क्या करना है कि आपको 1000 वर्ड जो है वो इनके सामने 2-4 बार बाल बोल देने हैं। आइए खाना खा लीजिए, कोई आया है मिलने के लिए, पहले सामने बोलना है जी। फिर दूसरे रूम से बुलाएंगे तो शब्दों का कन्फर्मेशन हो जाएगा, शब्द सही बोल रहा है। आप समझ गए ना मैं आपको, शब्दों का कन्फर्मेशन जो, क्योंकि टेक्नोलॉजी है सुनी हुई चीज़ को सुन के जवाब देने का मतलब सुनना होता है। जब आदमी वीक हो जाता सुनने में तो शब्द भूलता जाता है और उसको फिर हैं करना पड़ता है, उसमें हैं नहीं करना पड़ेगा। रीडिंग थेरेपी करवाते हैं हम लोग, लिख करके बोलना जोर से, पढ़ना पेपर पढ़ना, कराओके सॉफ्टवेयर को बजाना, गाना गाते हैं ना बच्चों के साथ में, वैसे रिपीट शब्दों ओम का नाद करना वगैरह सब काम आ जाएगा। पर मेरे को तो अभी मैंने टेस्ट किया, आपको तो एक पैसा भी बेड़ापन तो है नहीं, नया पैसा भी नहीं है, अभी एकदम क्लीन है कान। बस ये जो था टीनिटस की ही प्रॉब्लम। हाँ, टीनिटस की प्रॉब्लम थी और सुनने में पहले भी अच्छे थे और अभी भी अच्छे हो आप, थोड़ा बहुत आपको लगता था। अच्छा, जहाँ भी मेडिकल में जाओगे ना तो बेटे टेस्टिंग करेंगे, रिपोर्ट बनाएंगे, बोले मशीन ले लें, ऑपरेशन कर लें, सर्जरी कर लें, और सुनते हुए आदमी, आज सुबह में नहीं सुनते हुए आदमी को मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो यार तुम, क्यों ले आए? बोले हमको बोला मशीन ले लो। मशीन बेचने वाला का तो काम है मशीन बेचना, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो फ़ोन पर कहिएगा या रूबरू आ जाइएगा। दिल्ली कहाँ दूर है यार आपके लिए। आपका शुभ नाम क्या है? संजीव कुमार। संजीव कुमार कौन, पूरे पूरा नाम? संजीव कुमार राजू राम। आपका शुभ नाम? विजय कुमार। विजय देवी, मैं तो आप लोगों से बात करके बड़ा खुश हूँ कि हंसते हुए चेहरे हैं, खुश हो मन में, कोई आपको स्ट्रेस नहीं है। तो स्ट्रेस रोगियों को होता है, आपको तो वो रोग है ही नहीं लगता, आप मिलने आए हैं मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू दीदी, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू भैया।